सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती से बिहार की धरती को मैं शत शत नमन करता हूं और डिजिटल प्रणाम भी करता हूं। बिहार की धरती एक ऐतिहासिक धरती है। भारत की संस्कृति बिहार के बिना अधूरी है और जब हम भारत के विकास की पौराणिक गाथा दुनिया को सुनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये बिहार का होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारी सीता मैया की भूमि है, भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है, ये भगवान महावीर की भूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, ये आर्य चाणक्य की भूमि है, ये सम्राट अशोक की भूमि है और कई भारत की स्वतंत्रता में मर मिटने वाले क्रांतिकारियों की, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की, कवियों की, साहित्यकारों की ऐसी यह भूमि है। इस भूमि के सभी वासियों को आज गणेश पर्व शुरू हो रहा है तो उस गणेश पर्व की भी महाराष्ट्र की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अध्यक्ष जी कह रहे थे, पहली बार किसी पार्टी की कार्य समिति वर्चुअली हो रही है। कोरोना के संकट ने और कोरोना की चुनौती ने हम सब लोगों को कुछ नई बातें भी सिखाई, कुछ नवाचार भी हम लोगों ने अपनाया और उसमें शायद बड़ी गति के साथ हम सब लोग डिजिटल बने हैं। और पहली बार शायद ये एक इस प्रकार के का चुनाव बिहार का होने वाला है कि जिसमें डिजिटल प्रचार यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। और परत नोट चला देखिए, अब मैं हमारे एडमिन से निवेदन करता हूं कि बार बार मेरा माइक म्यूट हो रहा है तो थोड़ा सा वो देखे कि मेरा माइक म्यूट ना हो। ये पहली बार बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव होने वाला है कि जिस चुनाव में शायद बहुत बड़े पैमाने पर हमको डिजिटल प्रचार भी करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां व्यक्ति का व्यक्ति से, दिल का दिल से जुड़ाव, इसी को हम महत्व देते हैं। मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट, इस प्रकार के प्रचार की पद्धति हमने अपनाई है। इस बार भी पद्धति तो वही होगी किंतु शायद हम बड़ी सभाएं न कर पाए और कई लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनौती के दौर में ये जो पहला चुनाव होने वाला है, बिहार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी तैयारी उसकी की है, आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई के लिए इतने जोरों से तैयार हो रहे हैं कि चुनौती की परिस्थिति में भी इस चुनाव को हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और एक नया रिकॉर्ड भी तैयार करेंगे। वैसे तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार के नव भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उस नव भारत के निर्माण में बिहार ने जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, चाहे 2014 का चुनाव हो
या 2019 का चुनाव हो, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे समर्थन के साथ बिहार आदरणीय मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ तो देश में परिवर्तन आया। हम जो सपने देखते थे कश्मीर से 370 हटे, हम जो सपने देखते थे सभी के लिए समान कानून बने, हम लोग जो सपने देखते थे कि प्रभु श्री राम जी का रामलला का मंदिर बने, हम जो सपने देखते थे एक मजबूत भारत का निर्माण हो, हम जो सपना देखते थे गरीबी निर्मूलन का, ये सारे सपनों को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और कई चीजों को उन्होंने अंजाम दिया। और इस सारों के पीछे जो ताकत मोदी जी के पीछे खड़ी हुई, उनमें से एक मजबूत ताकत ये बिहार की ताकत है। बिहार ने दोनों चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी का साथ दिया, इस कारण से नए भारत का निर्माण मोदी जी के माध्यम से शुरू हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब बिहार एक ओर बाढ़ की विभीषिका और दूसरी ओर कोरोना की महामारी झेल रहा है, ऐसे समय जिस मजबूती के साथ मोदी जी की सरकार और राज्य की एनडीए की सरकार, ये दोनों बिहार के आम आदमी के पीछे खड़ी हुई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण का पैकेज दिया, राज्य की सरकार ने गरीबों तक उन सारी चीजों को पहुंचाया, और उसके साथ साथ मैं अभिनंदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ साथ संगठन का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने हमको जो कहा था कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा इस कोरोना की महामारी में या बाढ़ की विभीषिका में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लोगों के बीच जा जाकर और लोगों को खाना खिलाने का काम किया, भोजन देने का काम किया, राशन देने का काम किया, मास्क देने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, मैं ऐसा मानता हूं ये एक अनूठा इस प्रकार का कार्य बिहार में और देश में हमको देखने को मिला। जिस प्रकार की ऊर्जा और जिस प्रकार की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उसके चलते बिहार में इस सारी विभीषिका के बावजूद हम लोगों ने जनता के पीछे खड़ा रहने का काम किया है। और सबसे महत्व की बात है, हमारे जो प्रवासी भाई बहन हैं, जो बिहार में बड़े पैमाने पर वापिस आए, लाखों की संख्या में वापिस आए, उनको भी, वो अपने घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, उनकी चिंता करना ये हमारा काम है, ऐसा समझकर आदरणीय मोदी जी ने और बिहार की सरकार ने जिस प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयास किया, मैं उसके लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार का और बिहार की सरकार का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किंतु एक चीज मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 15 सालों में बिहार को हमने बदला है। लालू जी के राज में जिस प्रकार से बिहार प्रताड़ित हुआ है, देखिए लालू जी का राज तो करीब 15 साल रहा, लेकिन उन 15 सालों में बिहार को 25-30 साल पीछे ले जाने का कार्य हुआ और बिहार की प्रगति में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई। किसी भी राज्य की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जब बिगाड़ होता है तो उसको सुधारने के लिए बहुत क्षमता से कार्य करना पड़ता है, और ऐसी ही क्षमता के साथ पिछले 15 वर्षों में हमने बिहार को पटरी पर लाने का काम किया और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करते हुए बड़े पैमाने पर बिहार के अंतिम व्यक्ति तक, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे बिहार में अनुसूचित जाति के लोग हो, सभी तक विकास को पहुंचाने का काम बिहार की सरकार ने और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने किया। और जब से मोदी जी की सरकार देश में आई तो उनके एजेंडे पर तो बिहार ये सबसे आगे रहा, और बिहार में जितनी परियोजनाएं लगातार मोदी जी की सरकार ने दी,
मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के रूप को परिवर्तित करने का काम एक प्रकार से मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ है। किंतु मैं ऐसा मानता हूं, ये जो चुनाव है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, पर इस चुनाव का महत्व कुछ और है, और वो इसलिए अलग महत्व है कि मैं ऐसा मानता हूं भारत के इतिहास में जब हमने करवट ली है और जब भारत में विकास और प्रगति को हमने देखा है, तो ऐसा कोई न कोई कालखंड होता है कि जिसमें कोई नेता हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और देश प्रगति की ओर जाता है। बिहार ने तो एक स्वर्णिम कालखंड देखा है प्राचीन बिहार का, और हम तो मानते हैं कि बिहार में वो ताकत है, फिर एक बार हम उसी मकाम पर पहुंच सकते हैं। पर उस मकाम तक पहुंचने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ये कहेगा कि भाई चुनाव तो आते जाते, इस चुनाव का महत्व क्या है? तो इसका महत्व इसलिए है, हम सभी जानते हैं भारत एक ऐसी अवस्था से आज गुजर रहा है कि इसमें अगर भारत की प्रगति हम कर पाए तो भारत को कोई रोक नहीं सकेगा, और इस कालखंड में अगर हम चूक गए तो भारत हमको माफ नहीं कर पाएगा। हम सभी लोग जानते हैं आज सन 2020 में भारत ये दुनिया का सबसे युवा देश बना, और भारत की 50% आबादी आज 25 साल से नीचे की है। लेकिन वही अगर हम भारत में अलग अलग राज्यों को देखें तो सबसे ज्यादा युवा अगर किसी राज्य में है, उस राज्य का नाम बिहार है। 2020 में 58% बिहार के नागरिक ये 25 साल से नीचे है, ये युवा है। और आधुनिक भारत का निर्माण अगर कोई करेगा तो यही 25 साल के नीचे के युवा करेंगे। हमारे भारत की जो परिकल्पना हमने की है, हमारे बिहार की जो परिकल्पना हमने की है, उसको यथार्थ में लाने का काम अगर कोई करेगा तो यही हमारे 25 साल के नीचे की 58% आबादी करेगी। और देखिए, अगर दुनिया का इतिहास हम देखें तो दुनिया के इतिहास में जिस जिस देश को इस प्रकार का मकाम मिला है कि उसमें युवाओं की संख्या बड़ी है, जो लोग अपने बलबूते पर अपने दम पर देश को आगे ले जा सकते हैं, ऐसे लोगों की, काम करने वालों की संख्या जहां जहां बड़ी है उस देश ने प्रगति की है। हमने देखा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप ने इसी प्रकार से विकास किया, उसके बाद जापान ने विकास किया, उसके बाद कोरिया ने विकास किया, उसके बाद पिछले 30 सालों में चीन ने विकास किया। अब बारी भारत की है। 2020 एक ऐसा मकाम भारत के और बिहार के इतिहास में है कि अगर इस जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए अगले 15 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है, अगले 10 सालों में भारत एक विकसित देश बन सकता है। और ऐसे समय हम भाग्यशाली हैं कि इस मकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है, जिसमें एक क्षमता है कि क्षमता के भरोसे भारत को वो आगे ले जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारी जनसंख्या से मिला हमको एक एडवांटेज है, वो कोई जिंदगी भर नहीं प्राप्त होने वाला। 2020 से 2035 तक हमारे लिए स्वर्ण काल हो सकता है। इस जनसंख्या के भरोसे हम आगे बढ़ सकते हैं। 2035 से फिर एक बार हम लोग थोड़े जनसंख्या के मामले में कम होते जाएंगे, और 2050 तक हमारे लिए फिर भी एक महत्वपूर्ण काल होगा। तो ये मानिए कि भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साल कौन से है, तो 2020 से 2035 ये 15 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। और इतने महत्वपूर्ण काल में मोदी जी जैसा नेता हमारे साथ है, तो मैं मानता हूं भारत को और बिहार को
प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बिहार का ये जो चुनाव है ये इसलिए महत्व का है कि भारत के 15 स्वर्णिम वर्ष या बिहार के 15 स्वर्णिम वर्ष, इन 15 वर्षों के पहले 5 वर्ष ये 2020 से शुरू हो रहे हैं। हमने पिछले 15 सालों में बिहार को पटरी पर लाया है, पर अब रेल दौड़ेगी, अब बिहार की प्रगति की रेल इतनी तेजी से भागेगी कि एक नया बिहार, एक युवाओं का बिहार, एक युवाओं को न्याय देने वाला बिहार हम लोग तैयार कर पाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार भी जब भारत की सरकार के साथ कदम मिलाकर चलेगी, तो मैं ऐसा मानता हूं जिस गति से हम लोग ये सारी विकास की गंगा को आगे ले जाएंगे, बिहार का हर व्यक्ति, चाहे वो पिछड़ा हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने का काम हम लोग इस 15 सालों में कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए ये चुनाव केवल एक जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार के भाग्य का चुनाव है, ये बिहार में एक नया इतिहास लिखने का चुनाव है, ये बिहार को एक नई प्रगति की ओर ले जाने का चुनाव है, ये बिहार के लिए एक नया रास्ता ले जाने का चुनाव है। और इसलिए हम कोई भी घर पर नहीं बैठ सकते। मैं मानता हूं कोरोना की महामारी है, मैं मानता हूं बाढ़ की विभीषिका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कौन रोक पाया है? अरे हम तो वो लोग हैं कि जिन लोगों ने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष किया है। और ये तो बिहार की धरती है, संपूर्ण क्रांति की धरती है, लोकतंत्र के ऊपर जिस समय स्वर्गीय इंदिरा जी ने आघात किया, उस समय इसी बिहार की भूमि से एक आवाज निकली और जिस आवाज ने एक चिंगारी को एक पूरी आग का रूप दिया और पूरे देश के अंदर हमारे भारत की लोकतंत्र को बचाने की मुहिम शुरू हुई। मैं ऐसा मानता हूं आज भी चुनौतियां बहुत है, कोरोना जैसी चुनौती, बाढ़ जैसी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती में भी बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। भले ही बड़ी सभाएं न हो, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम घर घर जा सकते हैं, हम घरों तक पहुंच सकते हैं, कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मानकर उसकी सारी जो हमको चीजें उसमें करनी है वो सारी चीजें करके भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों तक पहुंचकर हमने जो काम किया है उस काम को भी लोगों तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। देखिए कई बार ये होता है कि अगर लोगों को हम याद नहीं दिलाते हमने क्या किया है, तो लोगों की याददाश्त ये बड़ी कमजोर होती है, लोग भूल जाते हैं। मुझे आपको बताना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी को एक बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मायने नहीं करता आपने सफर कहां से शुरू किया, आप कहां तक का सफर तय करते हैं, यह ज्यादा महत्व रखता है। और मैं ऐसा मानता हूं हमने सफर कहां से शुरू किया, किस प्रकार से हम यहां तक पहुंचे, ये मायने नहीं रखता। हम कौन सी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं ये मायने रखता है। और इसलिए इस सफर में तय की हुई एक एक मंजिल जनता तक, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा 15 साल की विभीषिका जो उन्होंने झेली है, किस प्रकार से देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बना, किस प्रकार से गुनाहों का राज बिहार में हमने देखा, किस प्रकार से केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और भ्रष्टाचार का एक मूल मंत्र लेकर केवल अपने घरों को भरने वाला बिहार हमने देखा, और किस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में एक विकास की ओर ले जाने वाला बिहार हमने देखा, ये भी लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी विभीषिका में किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के पीछे खड़े हुए, बिहार के पीछे खड़े हुए, गरीब कल्याण की योजना से किस प्रकार से कोई भूखा न रहे, हरेक को राशन देने की बात हो, हरेक किसान के खातों में राशि देने की बात हो, हरेक हमारे जो ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं उनके खातों में पैसा देना हो, हमारे जो बूढ़े हैं, हमारी विधवा बहने हैं, हमारी परित्यक्ता बहने हैं उनके खातों में पैसा देना हो,
समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके खातों में पैसे देना हो, हर व्यक्ति के पीछे रहने का, खड़े रहने का काम मोदी जी ने किया। और ये जो गरीब कल्याण का पैकेज मोदी जी ने किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया में किसी भी विकसनशील राष्ट्र में किसी भी प्रधानमंत्री ने या उस राष्ट्र के नेता ने इतना बड़ा पैकेज गरीबों के लिए नहीं दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गरीबों के असली मसीहा अगर कोई होंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने ये चिंता की कि गरीब क्या करेगा, हमारा मजदूर क्या करेगा, हर मजदूर को हाथ को काम मिले, नरेगा के माध्यम से केवल उसकी रोजी नहीं बढ़ाई, केवल उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई तो उसके साथ साथ उसको काम मिले, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे कि जिसके हाथ को काम नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए नरेगा के माध्यम से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और 20,00,000 करोड़ का पैकेज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यह पैकेज केवल पैकेज नहीं है, यह आधुनिक भारत के निर्माण की शुरुआत है, यह नव भारत की नींव है कि जिसके माध्यम से अभी अभी एक एक योजना की शुरुआत हो रही है। 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि की योजना के लिए जो दिए गए हैं, कृषि को मार्केट के साथ जोड़ना, एक देश एक मार्केट तैयार करने की कोशिश, और कृषकों के जो सारे उपज है उस उपज को एक अच्छा मूल्य मिले। एक और समर्थन मूल्य को तो बढ़ाया, लेकिन समर्थन मूल्य से भी ज्यादा उनको पैसा मार्केट से मिले, इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था का निर्माण, एक बड़े पूंजीगत ढांचे का निर्माण, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की कोशिश इसके माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं, हमारा जो छोटे से छोटा किसान है, उस किसान के भी आय दुगनी करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। कभी भारत ने सुना नहीं था कि कृषि के क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री केवल कृषि को मद्देनजर रखते हुए 1,00,000 करोड़ का निवेश करे। उस 1,00,000 करोड़ के निवेश से हमारे कृषकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हुई है। हमारे मछुआरों के लिए जो योजना शुरू हुई है कि जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर मछुआरों को भी उनकी आय में बढ़ोतरी करने का काम होगा। समाज के एक एक तबके का विचार किया है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो भारत की नींव है। भारत में 38% रोजगार की निर्मिति जो उद्योग करते हैं, देश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी ने बैंकों को कहा इन उद्योगों को कर्जा दो और उनसे कोई भी आपको गारंटी मांगने की जरूरत नहीं है, उनकी गारंटी भारत की सरकार लेती है। और भारत की सरकार ने 3,00,000 करोड़ रुपए की गारंटी लेकर और हमारे उद्योगों को कर्जा दिया, और इस कोरोना की विभीषिका से बाहर आकर वो रोजगार की निर्मिति कर पाए, इस प्रकार का प्रयास शुरू किया। इतना ही नहीं, पहली बार इस देश के अंदर भारत की सरकार ने ऐलान किया कि हम जो अच्छे उद्योग है, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, एमएसएमई, इसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के भागीदार बनेंगे, उसमें भारत सरकार इक्विटी लेगी, भारत सरकार पैसा देगी, भारत सरकार कर्जा नहीं तो इक्विटी के रूप में, भागीदार के रूप में पैसा देगी। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें से हमको आप पैसा दीजिए और उसके माध्यम से अपने उद्योगों को मजबूत कीजिए। ये करने का काम इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किया है। आधुनिक भारत में रोजगार निर्मिति का केंद्र भारत बनेगा। और सबसे महत्व की बात है, दुनिया समझ चुकी है चीन में जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इस लॉकडाउन के दरमियान जिस प्रकार का चीन का व्यवहार रहा है, अब दुनिया की नजरें भारत की ओर है। एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम भारत में तैयार हो रही है, चाहे फिर हमारा कपड़ा हो, हमारे बुनकर हो, हमारे बड़े पैमाने पर काम करने वाले, अलग अलग व्यवसायों में काम करने वाले, कपड़ा बनाने वाले हमारे उद्योग हो, ये सभी के लिए एक नई दिशा आदरणीय मोदी जी ने दी है। और इसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल का नारा, अब हम केवल एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर नहीं रहेंगे निर्भर, हम दुनिया से चीजें नहीं लेंगे, हम चीजें हमारे देश में बनाएंगे। भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने लिए भी बनाएगा और दुनिया को भी देगा।
ये बताने का काम केवल मोदी जी ने किया, मोदी जी ने नहीं किया तो उसके साथ साथ उसकी एक कारगर परियोजना तैयार करके 20 लाख करोड़ रुपया हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी। लोग कहते थे कि जीडीपी के 5% देंगे, जीडीपी के 2% देंगे, जीडीपी के 4% देंगे, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया ये जब मोदी जी ने ऐलान किया तो दुनिया भी भौचक्की रह गई। और केवल ऐलान नहीं रहा, इससे पहले तो सरकारें ऐलान करती थी, पैसा कभी आता नहीं था, ये पैसा सीधा जाना शुरू हुआ। कल ही आदरणीय निर्मला जी ने ट्वीट करके हमको बताया कि छोटे उद्योगों को 1 लाख करोड़ रुपया सरकार की गारंटी से दिया जा चुका है और पैसा अभी और दिया जा रहा है। और इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अवसर इस कोरोना की महामारी ने भारत को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करते हैं, इस चुनौती को भी अवसर में परिवर्तित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे समय अगर बिहार पीछे रहेगा तो मुझे लगता है फिर कभी यह मौका हमको हाथ में नहीं आएगा। देखिए, इतिहास उनको माफ नहीं करता जो मौका छोड़ देते हैं, इतिहास में उनका कोई वजूद नहीं रहता जो चुनौतियों से भागते हैं, इतिहास केवल उनकी गवाही देता है जो लोग चुनौती के समय मैदान में उतरकर मुकाबला करते हैं। और चुनौती के समय मैदान में उतरकर मुकाबला करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें हमारा बिहार भारतीय जनता पार्टी वो भी पीछे नहीं रहेगी। हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, एक एक व्यक्ति तक हमारे केंद्र सरकार ने किया हुआ काम, हमारे राज्य सरकार ने किया हुआ काम, हमारे केंद्र का पैकेज, हमारा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, इसमें से गरीबों का कल्याण का की योजना, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि ये साधारण चुनाव नहीं है, ये बिहार की इतिहास बनाने वाला ये चुनाव है। 15 अगले जो साल है, जिन सालों में भारत परिवर्तित होगा उसमें बिहार भी परिवर्तित होगा। और मोदी जी का साथ देने वाली सरकार, मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार बिहार में फिर एक बार स्थापित करनी है। हम चूक नहीं सकते, पूरी ताकत के साथ जैसे हमने लोकसभा में जनता का आशीर्वाद पाया उसी प्रकार का आशीर्वाद हमको यहां पर पाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका दिया। जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहां पर हमारे प्रभारी थे और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और अब मुझे खुशी है कि जब बिहार का चुनाव हो रहा है तो फिर एक बार बिहार में आकर आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के साथ इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज बातचीत हो रही है। लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जी ने मुझे आदेश किया है तो मैं 25-26 तारीख को जब भी आदेश हो जाएगा मैं बिहार आऊंगा और उसके बाद आप जितना समय कहेंगे, जितने बार कहेंगे उतने बार बिहार में आकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मैं तो कोई नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूं। तो आप लोग जिस प्रकार का आदेश करेंगे, जहां भेजेंगे, जिस प्रकार से काम करने को कहेंगे उस प्रकार से काम करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं, हम सभी लोग इस महामारी के बाद एक नए बिहार की और भारत का निर्माण करेंगे। ये बड़ा चुनौतियों का समय है और इस चुनौती के समय मुझे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता इस समय आप सबके सामने कुछ उसकी लाइनें सुनाने का मोह हो रहा है। तो दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में
टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत जाते पाव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं ऐसा मानता हूं। आज राष्ट्रकवि दिनकर जी की ये जो कविता है, इस कोरोना की महामारी के आपत्ति के समय हम सबको राह दिखाती है, और मेरा विश्वास है कि हम पत्थर से भी पानी निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से हम काम करेंगे, विजय हासिल करेंगे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।